इन दिनों अशोक गहलोत राजस्थान के दौरे पर है। पहले वे प्रतापगढ़ थे, फिर बांसवाड़ा। वहीं सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन के बीच सुलह की कवायद के बीच एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग का मामला उठा है। सोमवार को बांसवाड़ा में आयोजित सभा में सीएम ने सरकार पर आए सियासी संकट का जिक्र करते हुए कहा, विधायक रमीला खड़िया के लिए लोग पैसे लेकर आ गए, कार की डिक्की में पैसे भी रख दिए, लेकिन इस महिला ने बिल्कुल उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाया और कहा कि आप चले जाइए यहाँ से। सीएम ने कहा, हमारी सरकार बचाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाली रमीला के इस कार्य को मैं कैसे भूल सकता हूँ, तालियां बजाइए इस आदिवासी महिला के लिए। बांसवाड़ा दौरे के दूसरे दिन मगरदा में 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल केनाल परियोजना की शिलान्यास के दौरान सीएम ने रमीला की तारीफ की। कहा, एक मांग रमीला खड़िया की है जिन्होंने हमारी सरकार बचाई थी। रमीला जो मांगेगी उसको मैं कभी मना नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो आज मैं मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा नहीं होता। इन्होंने हमारी सरकार के लिए मदद की, नहीं तो मध्य प्रदेश में चली गई, महाराष्ट्र में सरकार चली गई, यहाँ भी सरकार जा सकती थी, लेकिन इस महिला ने बहुत हिम्मत कर काम किया, एक रुपये लेना भी स्वीकार नहीं किया। इसके बाद सीएम ने छोटी सरवा को पंचायत समिति बनाने की घोषणा की। इससे पहले सुबह त्रिपुरा सुंदरी में सीएम ने जनसुनवाई की थी। वहीं सीएम ने कहा कि मेरा केवल एक सपना है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, रतलाम बांसवाड़ा रेल प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। यूपीए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया लेकिन सरकार चली गई, जिसके बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया। इससे पहले 7 मई को सीएम ने धौलपुर में कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत ने मिलकर हमारी सरकार गिराने का षड्यंत्र किया, हमारे कुछ विधायकों को पैसे बांट दिए, मैंने विधायकों से कहा कि जिसने 10-20 करोड़ लिए वो पैसा शाह को लौटा दे।